जी सिंगर जी, कैसे हैं आप? जी सर, अच्छे हैं। अच्छे हैं जी सर। थोड़ा आप भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए अपना परिचय, कहाँ से आए हैं और क्या नाम हुआ? जी सर, बता देते हैं। क्या नाम हुआ? अशोक आनंद सर। अशोक आनंद जी सर। कहाँ से आए हैं आप? जी सर, बेलदार बिहार से आए हैं, सिरघाटी के। बेलदार बिहार सिरघाटी, सिरघाटी में पड़ता है जी सर। जी, इसके पहले भी आप अलवेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो से गाना निकाले थे? जी सर, निकाले थे। कितना महीना पहले गाए थे? रक्षाबंधन के दिन गाए थे सर। यानी रक्षाबंधन के आसपास में आप गाए थे हाँ? जी सर। सावन की था? जी सर, नहीं नहीं, राती था। प्रमोद प्रेमी के साथ बोला का भगवत लीची का। अच्छा, उसका क्या रिस्पॉन्स मिला यहाँ से? इसका बहुत रिस्पॉन्स मिला सर, कि और सब स्टूडियो में गाए तो मेरा व्यूअर नहीं भाया। उधर गाए तो फिर 800-600 व्यूअर भागा। ये गाना यहाँ केला बहुत अच्छा भागा, यहाँ से 5000 व्यूज भाग गया था। 5000 के आसपास में चला गया? जी सर, 5000 के आसपास चल गया। इसके पहले और कहीं से गाए तो 600-800? जी सर, नहीं भागता था व्यूअर, नहीं भागता था। और यहाँ गए तो 5000 भाग गया। जी सर, यहाँ हमको पता नहीं था कि यहाँ इमामगंज में स्टूडियो है, तो मेरे धर्मेंद्र राज दीवाना जीते मेरा राइटर, वही गाना लेके देते तो बोले कि वहाँ पे स्टूडियो बहुत अच्छा है, वहाँ पे सिखाते भी है बहुत गाने के लिए। धर्मेंद्र राज दीवाना जो अंतर सिंह के साथ गए वो? जी जी सर जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, चिल्ली उनको पहचान ली। बोल रहे हैं जी सर, कि जो आपने अभी प्रश्न किए जी सर, कैलवेला जी मैंने आदर्श स्टूडियो से गाया जी सर, 600-800 भी गाया जी सर, और आपका आज स्टूडियो से मैंने गाया, आपका चैनल से मैंने गाया तो 5000 भी गाया जी सर। इसके कारण क्या है, कुछ बता सकते हैं? क्यों भागा? जी सर, बता सकते हैं क्या भागा? बताइए क्यों भागा? कारण यह है कि जो चैनल पे जितना सब्सक्राइबर होता है सर, नहीं नहीं नहीं, सब्सक्राइबर से मतलब नहीं होता है। अगर 50 सब्सक्राइबर रहेगा, काम बेहतरीन रहेगा, तो ऑटोमेटिक है कि 1-2-5 लाख आदमी देखते हैं। काम पे डिपेंड पड़ता है, ठीक है? एक ही आप देखिएगा, सब्सक्राइबर शुरू करता है कि मैं बड़े कंपनी को दूंगा, डेट को दूंगा, टीसी दूंगा, ऐसे से कितनी बड़े बड़े स्टार कंपनी को दूंगा तो मुझे 5 लाख व्यूअर चल जाएगा जी सर। तो मैं वो चीज मानता हूँ कि आपका 5 लाख व्यूअर चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि उसके पास सब्सक्राइबर हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा है। लेकिन उसको लोग वहीं तक जानेगा जहाँ तक वो भागेगा, अपना क्षेत्र उसको नहीं जानेगा जी सर। तो कभी भी जब देखते हैं कोई इंसान हो या कोई चिड़िया हो या कोई भी हो, तो नीचे से ही ऊपर उठता है ना, जैसे हम लोग सीढ़ी पे कोठे पे चढ़ते हैं जी सर, तो पहला सीढ़ी पे कदम रखते हैं, उसके बाद ऊपर, दूसरा, दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसे करते करते हम लोग कोठे पे चढ़ जाते हैं, चढ़ जाते हैं ना। तो कहीं से निकालिए, पहले नीचे लेवल से चलिए, अपना सुधार कीजिए। बड़े बड़े कंपनी पता है क्या करेगा जी सर? रिलीजिंग का पैसा लेगा, गाना गवाएगा, और उसके बाद जब फोन करिएगा तो फोन तक नहीं उठाएगा जी सर, नहीं। हम आपको डाल देगा, व्यूअर भागे तो भागे, नहीं भागे तो भाग भी जाता है जी सर। तो कल आपको कहेगा कि मैं डॉलर के हिसाब से आपको पैसा दूंगा, है ना सर? तो एक कल देता नहीं है, देता नहीं है। और अगर लोकल स्टूडियो जो है, लोकल चैनल आपको बोल देगा कि अशोक आनंद जी आपको मिलेगा पैसा जी सर, तो मिलेगा जी सर। जब नहीं डॉलर आएगा तो कहेगा कि पैसा नहीं मिला, काम करना तो कीजिए और नहीं करना नहीं कीजिए। तो बस दुनिया काम है, काम बढ़िया कीजिए, बढ़िया सुधार कीजिए, आज 5000 भागा कल 10000, ठीक है? जो आज आपको गाना गाना है ना जी सर, जो आज आपको गाना गाना है, गाना गाना है, क्या है? भोजपुरी है, भक्ति है, सैड सॉन्ग है सर, सैड सॉन्ग है। और आपके साथ जो बगल में है वो कौन है, उनका जरा परिचय दीजिए। मेरे राइटर है सर। क्या नाम है आपका? बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश चौधरी। आपका नाम हुआ मुकेश चौधरी? चौधरी जी, क्या आप राइटर साहब हैं? जी। आप गाना लिखते हैं? जी। इस लाइन में गाना लिखने का कितना साल से जुड़े हुए हैं? 2019 से। लगभग मार्केट में गाना दे चुके हैं? नहीं, सिर्फ मनोकेश हो गए चुके हैं। चलिए, आप अपना परिचय बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जरूरी पड़ेगा परिमिजी प्रोजेक्ट के बैनर तले तो आपका याद किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि मुखिया का इलेक्शन आ रहा है बहुत जल्द, प्रचार के समय आपको जरूरी पड़ेगा, आपको हम याद करेंगे, ठीक है? सिंगर जी को बुलाइए।
जो आज आपको गाना गाना है yes, हमारे दर्शकों को एक मिनट गाने सुनाई जो आपका राइटर जिगारा लिख के दिए है जो आज गाना गाना है ठीक है सर मिलते हमें के छोड़ दी हलु जी सर वन टू थ्री फोर Thank you.